तो अब भजनों की ओर चलते हैं। हमारे बीच सुप्रसिद्ध गायक आदरणीय श्री चंदूलाल कबीरपंथी जी उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है, आप मंच पे पधारें और अपने मधुर गायन से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा दर्शाएं। तो श्री चंदूलाल कबीरपंथी, आप जो कटनी से पधारे हुए हैं। मुर्शिद मेरा मरहमी, मुर्शिद मेरा मरहमी, जिन मरम बताया मुर्शिद मेरा मरहमी, जिन मरम बताया मुर्शिद मेरा मरहमी। दिल भीतर दीदार है, दिल भीतर दीदार है, खो जा तिन बताया मुर्शिद मेरा मरहमी। तस्बी एक अजूब है, तस्बी एक, तस्बी यानी माला। ध्यान पूर्वक जब कोई चिंतन करता है, नानक जी के गले में एक माला देखे होंगे आप, जो फोटो सामने उनका चित्र दिखाई देता है, वो तस्बी को महत्व देते थे। आप किसी को भी महत्व दें, कैसे भी आप उस मंजिल को पाएं, रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक है। तस्बी एक अजूब है, जामे हर दम दाना, तस्बी एक अजूब है, जामे हर दम दाना, कुंज किनारे बैठ के, कुंज किनारे बैठ के फेरा तिन जाना, फेरा तिन जाना, मुर्शिद मेरा मरहमी, जिन मरम बताया मुर्शिद मेरा मरहमी। दिल भीतर दीदार है, दिल भीतर दीदार है, हो जा तिन पाया, मरम बताया मुर्शिद मेरा मरहमी। और इस पंक्ति को बड़े ध्यान से श्रवण करें और विचार करें। क्या बकरी क्या गाय है, क्या बकरी क्या गाय है, क्या अपनों जाया
जाया क्या अपनों जाया, क्या बकरी क्या गाय है क्या अपनों जाया, ओ क्या अपनों जाया, सबका लो साहिब फरमाया, मुर्शिद मेरा मरहमी, मेरा साहिब फरमाया, साहिब कबीर फरमाया, मुझे रास्ता बताया, क्या बकरी क्या गाय है क्या अपनों कालो एक है, सब कालो एक है मेरा साहिब फरमाया, मुर्शिद मेरा मरहमी जिन मरम बताया, मुर्शिद मेरा पैगंबर औलिया, पीर पैगंबर औलिया सब मरने आया। देखिए कितनी बड़ी बात, कितनी जबरदस्त बात, क्योंकि साहेब ने फरमाया है, पीर पैगंबर औलिया सब मरने आया, नाहक जीव ना मारिए, नाहक जीव ना मारिए, कहते हैं महात्मा गांधी ने एक जगह कहा था, जब तक इस संसार में मांसाहार जिंदा रहेगा तब तक दुनिया में युद्ध होते रहेंगे। क्यों कहा था? गांधी जी को महात्मा ऐसे नहीं कह दिया है लोगों ने, उनके दिल में एक चींटी के प्रति भी दया थी। ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा, आप सब जानते हैं महात्मा गांधी, लेकिन इसलिए कहा था कि जब तक हिंसा होगी, किसी को छीनने की, झपट के मारने की, काटने की प्रवृत्ति होगी, छीना झपटी करने की, हिंसा करने की, और ऐसा हार जब आप ग्रहण करेंगे तब तक दुनिया में यही आदत रहेगी और युद्ध होते रहेंगे। ये गांधी जी की बात है, इसलिए कि संतों से प्रभावित थे और संतों ने उन्हें ये मार्गदर्शन उनके पूर्वजों से मिला था। आइए, पीर पैगंबर औलिया सब मरने आया, सब मरने आया, नाहक जीव ना मारिए, पोषण को काया, मुर्शिद मुर्शिद मेरा मरहमी जिन मरम बताया, मुर्शिद मेरा मरहमी,
दिल भीतर दीदार है, दिल भीतर दीदार है, खोजा दिन पाया मुर्शिद मेरा मरहमी जिन मरम बताया, मुर्शिद मेरा मरहमी आदि गुरु सतगुरु कबीर साहब है, उनका सब संत नमन करते हैं। अंतिम पंक्ति में साहब नानक जी, गुरु नानक जी कहते हैं कि रसी ही ये है वान है, कि रसी ही ये बस करी ले भाई, अपनी हैवानियत को बस में कर ले, यही मानव धर्म है। कि रसी ही ये हैवान है, बस करी ले भाई, दर्द इलाही, दर्द इलाही दर्द, ये खुदाई जिसको प्राप्त हो गई वही मानव है। दर्द इलाही नान का जिसे दे खुदाई, मुर्शिद मेरा मरहमी जिन मरम बताया, मुर्शिद मेरा बताया, मुर्शिद मेरा मरहमी दीदार है, दिल भीतर दीदार है, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न को, बलिहारी जाघट प्रगट हो, दर्द इलाही नान का जिसे दे खुदाई, मुर्शिद मेरा मरहमी जिन मरम बताया, मुर्शिद मेरा मरहमी दिल भीतर दीदार है, दिल भीतर दीदार है, हो जा दिन पाया मुर्शिद मेरा मरहमी जिन मरम बताया, मुर्शिद मेरा मरहमी, मुर्शिद मेरा मरहमी, मुर्शिद मेरा मरहमी। मेरे सद्गुरु ने, मेरे साहेब ने
मुझे ये मरम बताया जो मैंने आपके समक्ष रखा। ये नानक जी कहते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।